उसमें सरकार का रेस्पॉन्स क्या? चना का मैंने बताया कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक चने के इंपोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। दिसंबर में पहली बार चने के इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन हुआ, ड्यूटी लगाएंगे, जिसको अभी बढ़ा के फरवरी में और 30% की अब 40% कर दी गई है। लेकिन इट्स टू लेट। बजट में वित्त मंत्री ने जो घोषणा की कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कुछ स्पेशल मेजर्स बनाएंगे, इंक्लूडिंग डेफिसिट पेमेंट कि कम हुआ तो क्या करेंगे, उसका कोई मैकेनिज्म अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। और मार्केट में तो आ रही है फसल, आ गई, जिस किसान ने बेच दिया उसका तो नुकसान हो गया, उसके बाद योजना बंद किए रहे क्या फर्क पड़ेगा। और जहां जहां प्रोक्योरमेंट की घोषणा भी हुई है, महाराष्ट्र में सरकार ने घोषणा की है कि वो चना प्रोक्योर करेंगे, राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा की कि इस साल वो चना और सरसों प्रोक्योर करेंगे, मध्य प्रदेश में भावांतर स्कीम घोषित की हुई है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र का मैं उदाहरण दूं, महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेशन है कि 19 लाख टन चना आएगा मार्केट और नेफेड 3 लाख टन खरीदेगा। इससे कैसे किसान को मिलेगा? जब ऐसा कुछ होता है 19 लाख टन बाजार में आएगा, सरकार सिर्फ 3 खरीदेगी, तो वो 3 साधारण किसान का तो नहीं बिकेगा। एक तो सिर्फ 3 बिकेगा, बाकी 16 नहीं बिकेगा। दूसरा, वो 3 तो साधारण किसान का हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ जो पावरफुल लोग हैं वो कैप्चर कर लेंगे, वो अपना बेच देंगे वहां पे, यही बात होती है। राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं बताया है, मध्य प्रदेश सरकार ने इतनी अजीब लिमिट्स बना दी कि आप भावांतर स्कीम का फायदा, एक तो भावांतर स्कीम में जो प्रॉब्लम हुई आप सब जानते हैं, मार्केट मैनिपुलेट होती है, मार्केट प्राइसेस कम किए जाते हैं, और भावांतर स्कीम से नेट लॉस हुआ है फार्मर्स को। ये मैं बहुत विश्वास से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, जा जाकर मैंने किसानों से बात की है। अगर भावांतर स्कीम ना होती, भारत सरकार की कोई स्कीम ना होती, मध्य प्रदेश सरकार की कोई स्कीम ना होती, तो किसान को फायदा होता और भावांतर की वजह से किसान को नेट लॉस हो गया। और अब जो हो रहा है इन सब में, फिर सरकार ने ऐसे ऐसे लिमिट लगाए हैं जो कि पर एकड़ लिमिट लगाया है कि इतना एकड़ होगा तो आप इतना बेच सकते। जो जैसे मैं नरसिंहपुर में था, वहां की जो एक्सपेक्टेड यील्ड है उससे आधा है अपर लिमिट उसका, किसान क्या करेगा, बाकी फसल कहाँ बेचेगा? तो ये बहुत मेजर इश्यूज है और इन सब के लिए हम सब लोग सत्याग्रह को शुरू कर रहे हैं अभी।